नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जिसका जिम्मा है लोगों की रक्षा करना, वही लोग अगर लोगों का शोषण करने लगे तब क्या ही कहा जाए। यह बात हम क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया है, जिस मामले को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल इस समय एक जो खबर सामने आई है, हाल ही में 2-3 दिनों पहले की यह खबर है। इस खबर में दो आरोपी, ऐसे कुल इस मामले के 5 आरोपी हैं जिनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है, लेकिन दो आरोपी की हम बात कर रहे हैं। तो दो आरोपी वसई वाहतूक शाखा, मीरा बंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत की वसई वाहतूक शाखा में कर्मचारी है। उनके खिलाफ देवगढ़ में, सिंधुदुर्ग के देवगढ़ में एक युवती से छेड़छाड़ करने की शिकायत दर्ज हुई है। और इतना ही नहीं, सिर्फ शिकायतें दर्ज नहीं हुई बल्कि वहां लोगों ने इनको पकड़कर जमकर इनकी धुनाई भी की है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि यह घटना 24-25 तारीख की बताई जा रही है, जब ये दोनों सिपाही और इनके कुछ सहयोगी गोवा घूमने के लिए जा रहे थे। और देवगढ़ में उन्होंने वहां एक कॉलेज की छात्रा जब अपने कॉलेज से लौट रही थी, तब उसके साथ छेड़खानी की, उसको ऐसी ऐसी बातें कही कि तू वसई आती है क्या, हम तेरे को वसई में घुमाएंगे। और छेड़खानी की इतना ही नहीं, यहां तक कि उस छात्रा का आरोप है कि उसको जबरदस्ती उनकी गाड़ी में बिठाकर ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन छात्रा ने वहां हल्ला मचाया और हल्ला मचाने के बाद लोग वहां जमा हो गए। ये सभी के सभी आरोपी नशे में धुत थे, लोग जमा हुए, लोगों ने इनकी जमकर धुनाई कर दी। और धुनाई के समय ये खुद इस बात की कबूली करते दिखे कि हम वसई में पुलिस विभाग में कार्यरत है। तब लोग इनको वहां पुलिस स्टेशन में लेके गए और यहां तक भी आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने नशे की हालत में देवगढ़ पुलिस के ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश की। हालांकि ये आरोप है, इसमें कितनी सच्चाई है इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। फिर भी जो उस छात्रा के साथ घटना हुई उसके बाद का वीडियो यह है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो में कॉपीराइट का और थोड़ा इश्यू हो सकता है, इसके लिए हम वीडियो पूरा यहां चला नहीं सकते, लेकिन ये 4 से 5 मिनट का वीडियो है। और इस वीडियो के बाद वहां गुनाह दाखिल हुआ। गुनाह दाखिल होने के बाद में यहां तत्काल रूप से मीरा महेंद्र वसई विरार आयुक्तालय से इनका निलंबन ऑर्डर जारी किया गया। इनको 25 तारीख से निलंबित घोषित कर दिया गया। जो कुल 5 आरोपी है उनके नाम इस प्रकार से है। पहला आरोपी पुलिस सिपाही हरिराम मारुति गीते, दूसरा सिपाही प्रवीण रानड़े, तीसरा श्याम गीते, चौथा सतवा केंद्रे। इस तरह से 4-5 आरोपी है, जिसमें से पहले के दोनों आरोपी वसई अंतर्गत कार्यरत है, जैसा हमने आपको आगे बताया, और बाकी के जो 3 आरोपी उसमें से भी एक आरोपी एमएसएफ में तैनात है और एक सीआरपीएफ में तैनात है। यानी कि कहीं ना कहीं सभी के सभी आरोपी सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात है। और इन आरोपियों ने इस तरह से इतनी घटिया हरकत अंजाम दी नशे की हालत में। अब आप हिसाब लगाइए, अंदाज लगाइए कि जब इस तरह से रक्षा की भक्षक, जो हमने शुरू में कहा, जिस पुलिस के ऊपर जिम्मा है लोगों की रक्षा का, वो इस तरह से अगर लोगों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार करेगी, तो हमारा देश का कानून कायदे का क्या, कानून व्यवस्था कहां है, ये सवाल है। हाल ही में जो बदलापुर में जो मामला हुआ था, वहां छोटी बच्चियों के साथ
कुकर्म किया गया था एक आरोपी द्वारा, उस और आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। उस मामले में भी काफी कई सवाल उठ रहे हैं, हम उस मामले पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसी महाराष्ट्र में उसी पुलिस दल के लोग इस तरह की घटना अंजाम दे रहे हैं। अब इनके खिलाफ कितनी सख्त कार्यवाही की जाती है यह सवाल बड़ा है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।